हेलो फ्रेंड्स, शिवांगीज किचन न्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बेसन के सेव, जिनको कि हम घर पर आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिना मशीन के, बिना सांचे के। और जो झारा होता है उसका भी हम यूज नहीं करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सेल बन के तैयार हो रखे हैं सेव यहाँ पे, जो कि हम आसानी से घर में मौजूद चीज़ों से बना लेंगे। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। और तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सेव बनाने के लिए हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है 350 ग्राम, और इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक चुटकी थोड़ा मसाला, सब्जी मसाला को स्वाद के लिए डाल दिया मैंने इसमें। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने पिसा हुआ धनिया डाला, ये सॉरी पिसा हुआ नमक डाला है। तो उसमें पहले से अजवाइन, हरी मिर्च, धनिया वगैरह सारे मिक्स अप थे, तो मुझे एक्स्ट्रा उसमें अजवाइन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया मोइन के लिए, और पहले हम इसको ऑयल में गूंद लेंगे आटे को, बेसन को, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इसको गूंदना है। और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें तेल, नहीं तो इसमें ज़्यादा तेलीय हो जाएगा ये। तो मोइन का तरीका यही है पहचानने का, अगर मुट्ठी बन जाती है बेसन की तो इसका मतलब अब हमें और नहीं डालना है। अब हम इसमें इतना बच गया, एक कटोरी मैंने तेल लिया था तो इतना बच गया वो। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पानी मिलाएंगे, और जिस तरीके से आटा गूंदते हैं उसी तरीके से हमें ये गूंदना है। बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं, तो इसको हम उस तरीके से अच्छे से मसल मसल के गूंद लेंगे। और इनको आप एयर टाइट कंटेनर में रख के आराम से 14-15 दिन तक रख सकते हैं घर में। तो यहाँ पे ये हमारा डो बन के तैयार हो गया है, और हमने ऑयल चूल्हे पे रख लिया है हाई फ्लेम पे गरम करने के लिए। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ऑयल हमारा गरम हो गया, तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। और ये जो थाली है इससे हम बनाएंगे ये नमकीन। तो ये जो थाली दूध ढकने की थाली होती, छन्नी होती है, उस छन्नी से हम बना रहे हैं यहाँ पे। झारे का यूज भी हमने नहीं किया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बारीक उसी तरीके से बन के निकल के आ रहे हैं। अगर आपके पास ये झारा भी नहीं है तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों में थोड़ा सावधानी रखनी होती है। तेल का आपको कढ़ाई का बैलेंस बना के सावधानी से ये काम करने होते हैं। मशीन वगैरह में आसानी से बन जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा सावधानी से ये काम करने होंगे। तो इसी तरीके से हम सारी नमकीन बना लेंगे, सेव बना लेंगे, और आप देख सकते हैं अच्छा सा बन के आ रहे हैं। ये जो छन्नी है जिसको हम दूध के ऊपर से ढकने के लिए रखते हैं, तो उसी छन्नी को मैंने यहाँ पे यूज किया है, और ये हमारी नमकीन बन रही है। गैस का फ्लेम लो ही रखिए, क्योंकि सेब जल सकते हैं, तो इसलिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही आपको रखना है स्टार्टिंग में। आपका जब तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद इसको लो फ्लेम पे ही रखिएगा। तो इसी तरीके से हम बाकी के सारे नमकीन भी बना लेंगे। आप नमकीन भी बोल सकते हैं इसको, बेसन की।
थी हमारी आज की रेसिपी। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।